हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डॉट इन। आज हम आपके लिए जयपुर की एक और रेनाउंड यूनिवर्सिटी दैट इज जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। हमने JECERC, सुरेश ज्ञान विहार, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, निम्स को लेके डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, ऑलरेडी डिटेल वीडियो क्रिएट की हुई है। आई होप आप लोगों ने देखी है। अगर नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन पर क्लिक करके इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के डिटेल वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि UGC अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड, NAC अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जगतपुरा जयपुर में सिचुएटेड है। आज हम इसके ऑफर्ड कोर्सेज, रैंकिंग, प्लेसमेंट, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑफर्ड कोर्सेज, सभी चीजों को लेकर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी डिटेल इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर आपके मन में वीडियो को देखते समय कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, अब आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे चैट कर सकते हैं और काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। सबसे पहले हम इसकी रैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को NIRF 2022 में फार्मेसी कोर्सेज के लिए 92 रैंक दी गई है। इंडिया टुडे ने ओवरऑल यूनिवर्सिटी को 59th रैंक दी है। मास कम्युनिकेशन के लिए 38th, होटल मैनेजमेंट के लिए 44, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 43 एंड MBA कोर्सेज के लिए 65 रैंक दी है। आउटलुक ने भी ओवरऑल यूनिवर्सिटी को 46 रैंक दिए हैं और मास कम्युनिकेशन कोर्सेज के लिए 24th रैंक दी है। इसके साथ साथ जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी NAC अप्रूव्ड, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कैंपस, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल विद इन दी कैंपस मिलता है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कोलैबोरेशन काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जैसे कि बॉन्ड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश काउंसिल, वोरलबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस ऑस्ट्रिया, हैंडोंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया के साथ है। इसी तरह से इसका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन LG, डेकाथलॉन, IBM, इंफोस्ट्रेच, कॉन्टिन्यूम ग्लोबल, हाइक एजुकेशन, सैप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है। अब हम आपको यहाँ के ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में बताते हैं। यहाँ से आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल, पैरामेडिकल, फैशन डिजाइन, लॉ, मीडिया स्टडीज, नर्सिंग एंड मेडिकल की फील्ड में UG एंड PG कोर्सेज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड में आप यहाँ से BTech एंड MTech कोर्सेज कर सकते हैं। BTech आप यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, केमिकल, ECE एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको यहां पर स्पेशलाइजेशंस भी मिलता है, आप AI ML, साइबर सिक्योरिटी जैसे स्पेशलाइजेशंस भी चूज कर सकते हैं। यहां के BTech कोर्सेज की फीस 1,19,000 और MTech की फीस यहां की 92,000 पर एनम की है। मैनेजमेंट की फील्ड में आप यहां से BBA एंड MBA कर सकते हैं। BBA आप यहां से लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, मार्केटिंग जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं जिसकी फीस 72,000 पर एनम की है। इसी तरह से आप MBA एविएशन, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, फैशन डिजाइन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं जिसकी फीस 1,54,000 पर एनम की है। फार्मेसी की फील्ड में आप यहां से डी फार्मा, बी फार्मा एंड एम फार्मा कोर्सेज कर सकते हैं। डी फार्मा की फीस 65,000 पर एनम, बी फार्मा की फीस 90,000 और एम फार्मा की फीस यहां की 95,000 पर एनम की है। एम फार्मा में आपको यहां पर काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशंस भी मिलते हैं। आप यहां से फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जैसे स्पेशलाइजेशन में एम फार्मा कर सकते हैं। लॉ की फील्ड में आप यहां से BA LLB, BBA LLB एंड LLB कोर्सेज कर सकते हैं। BA LLB एंड BBA LLB की फीस 95,000 पर एनम और LLB की फीस यहां की 55,000 पर एनम की है। इसी तरह से आप एलाइड हेल्थ केयर साइंस की फील्ड में भी काफी सारे कोर्सेज कर सकते हैं। आप यहां से BMLT, BSc OT, BSc क्लिनिकल रिसर्च, BSc कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, फॉरेंसिक साइंस में BSc कोर्सेज कर सकते हैं जिसकी फीस अप्रॉक्स 70,000 से लेके 85,000 पर एनम तक की है।
आप यहां से बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं जिसकी फीस 1,15,000 की है, बीपीटी कर सकते हैं जिसकी फीस 85,000 पर एनम की है, मेडिकल की फील्ड में भी आप यहां से एमबीबीएस, एमएस एंड एमडी कोर्सेज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के सभी ऑफर्ड कोर्सेज और उनके डिटेल फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां के सभी ऑफर्ड कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, अगर आप मेडिकल कोर्सेज जैसे कि एमबीबीएस, एमएसएन, एमडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट एग्जाम के बेसिस पे ही आपको यहां पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेईई मेंस में आई हुई रैंक के बेसिस पे आप यहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके 12th में 65% और अबव मार्क्स है तो भी आप मेरिट बेसिस पे यहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां से बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, बीफार्मा, डीफार्मा जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो 12th में आई हुई परसेंटेज के बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे आप यहां पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां से एमबीए, एमसीए या फिर एमटेक कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन में आई हुई परसेंटेज के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां के प्लेसमेंट की। देखिए, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल कोर्सेज के लिए या फिर एलाइड हेल्थ साइंस के कोर्सेज के लिए काफी पॉपुलर है। अगर आप यहां से बीएमएलटी, ओटी, नर्सिंग, बीपीटी जैसे कोर्सेज करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 20,000 to 25,000 पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी आराम से मिल सकती है, आपको कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप यहां से बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीएलएलबी, एलएलबी या बीसीए जैसे कोर्सेज करते हैं तो इन सभी कोर्सेज के लिए यहां का प्लेसमेंट बिलो एवरेज है। बीटेक के लिए यहां का हाईएस्ट प्लेसमेंट अप्रॉक्स 12 लाख और मिनिमम प्लेसमेंट 3 लाख पर एनम का है। हमने काफी सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज चेक किए तो हमें पता लगा कि लगभग 70-75% स्टूडेंट्स जो कि यहां से बीटेक सीएससी कोर्स करते हैं उनको 3 लाख या फिर उससे कम का ही प्लेसमेंट मिल पाता है। इसी तरह से एमबीए का भी प्लेसमेंट बहुत ही बिलो एवरेज है। अगर आप यहां से हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर में एमबीए करते हैं तो आपको यहां से 2-3 लाख तक का प्लेसमेंट मिल सकता है। इसी तरह से बीजेएमसी, बीएलएलबी, बीबीए में भी आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहां से नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 लाख तक का ही प्लेसमेंट मिल सकता है। वैसे तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी काफी रिनाउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, बट जब हम बात इसके प्लेसमेंट की करते हैं तो काफी सारे कोर्सेज को लेके इसका प्लेसमेंट बिलो एवरेज है। तो आप जिस भी कोर्स में यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के प्लेसमेंट को बाकी के जो ऑप्शंस आपके पास हो उससे कंपेयर जरूर कर लें तभी एडमिशन लें। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी दें। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।